ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों के बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां हर रोज़ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँ। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके काम धंधे में आपको बेहद तरक्की मिलेगी। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और खूब सारा धन कमाने लगेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़े हैं आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इन उपायों का पूर्ण लाभ उठा सकें। अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों आपको करना यह है, आपको सूखा धनिया लेना और साबुत हल्दी की एक गांठ लेनी है। इन दोनों को आपको एक साफ सुथरे लाल कपड़े में बांध देना है, कोटली बना देनी है और उसके बाद आपको इसे माँ लक्ष्मी गणेश जी और माँ लक्ष्मी के सामने अपने मंदिर में रख देना है और फिर आपको 21 दिन तक इसकी पूजा करनी है। आपको गणेश जी का मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः और माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः की एक एक माला यानी 108 बार जप करना है और जब 21 दिन पूरे होने पर याद रखें इन 21 दिनों तक आपको किसी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना है। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो आप यह जो पोटली है इसे उठा लें और अपने धन पेटी में रख लें। दोस्तों फिर आप देखें कि जो आपका धन है वह कभी ख़त्म नहीं होगा। जी हाँ, ये सुनने में आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा हो लेकिन ये सच है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी आपके घर में आके विराजमान हो जाएंगे, मंगल मूर्ति और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आपके घर में आके विराजमान हो जाएंगे तो आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इसी के साथ आपके जो धन के मार्ग थे वह भी नए नए धन के मार्ग खुलेंगे और वहाँ से अच्छी मात्रा में धन आएगा और आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा या फिर धन के संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। दोस्तों आपसे बताना चाहेंगे ये उपाय या तो आप बुधवार के दिन करें या फिर आप शुक्रवार के दिन करें। और दोस्तों गणेश जी और माँ लक्ष्मी पर विश्वास बनाए रखें और अपने कर्म करते रहिए, कर्म प्रधान हैं। आपके लिए ये उपाय बेहद लाभकारी साबित होगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।